अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फेवरेट एंड बेस्ट इंग्लिश ट्यूटर एंड यूट्यूबर सैयदा राबिया बतूल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑफ स्टडीज। जैसा कि पहले हमने आई हैव अ ड्रीम के बारे में पढ़ा था, सो अब हम ऑफ स्टडीज के बारे में जानेंगे। ऑफ स्टडीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोटेड एसे ऑफ सर फ्रांसिस बेकन। In this, he answers why we should read books, what are impacts of studies in one's life, why study without experience is useless, and many other questions. Of studies जो है ये एक ऐसे था जो कि फ्रांसिस बेकन के ज़रिए दिया गया था, और इस ऐसे में उन्होंने कहा था कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी होती है, क्या बेनिफिट होते हैं पढ़ाई के, और बगैर पढ़ाई बगैर एक्सपीरियंस के अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो वो यूज़लेस होती है। सो नाउ इन दिस ही एलोब्रेट द थीम ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड बैलेंस। अब ये जो इनकी ऑफ स्टडीज ऐसे था ना, इसमें इन्होंने कहा था कि जो है ना एजुकेशन की थीम, नॉलेज और बैलेंस की तमाम क्यों ज़रूरी है। ही बिलीव्स दैट स्टडिंग has three benefits. Firstly, some people study for delight, pleasure or personal use. Secondly, others study for ornamental, to share their knowledge with others. The third, the people study for benefit. He also argues that too much study is sloth or lazy. He said, reading is important, but comprehensible reading is more important. He said reading makes a man full of ready man and writing an exact man. Bacon said writing is as important as reading, because when we write, so we memorize easily, and long-term memory we get through writing. यानी अपने ऐसे के अंदर इन्होंने कहा कि स्टडी के तीन इम्पोर्टेंट बेनिफिट होते हैं। कोई जो है ना वो प्लेजर अपनी यानी खुशी के लिए पढ़ता है, कोई बेनिफिट के लिए कि भाई हमें फ़ायदा होगा, हमें नॉलेज होगी, और कोई जो है वो एबिलिटी हासिल करने के लिए पढ़ता है। और फिर उन्होंने यानी सारा बताया कि भाई हमें जो है ना लिख कर याद करना चाहिए, अगर हम कुछ याद करना चाहते हैं, जब भी हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें कंप्रहेंसिबल रीडिंग करनी चाहिए, यानी समझकर पढ़ना चाहिए। ये नहीं हो कि हमने अगर पूरी किताब पढ़नी है तो बस लेकर बैठ गए, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बस पढ़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि कंप्रहेंसिबल रीडिंग होनी चाहिए। सो ये इनके ऐसे में सारा समराइज करके मैंने आपको समझा दिया है। थैंक यू सो मच माई डियर सब्सक्राइबर्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।